हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे एमके एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, रेलवे की तरफ से एक बड़ा नोटिफिकेशन निकल कर आया है, वो है आपकी आरआरबी जेई के संदर्भ में। जिन कैंडिडेट्स ने आरआरबी जेई का फॉर्म फिलअप किया है और फॉर्म भरते समय उन्होंने गलती से अपनी लैंग्वेज गलत सेलेक्ट कर दी गई है, तो उसके संदर्भ में एक नोटिफिकेशन जारी किया है आरआरबी जेई ने। वो भी आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, आज की डेट को ये अनाउंसमेंट हुआ है, और उसके तहत आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो एग्ज़ाम की, कि जिस एग्जाम में जिस लैंग्वेज में आप अपनी एग्जाम देना चाहते हो उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, कैसे आपको मॉडिफाई करना है अपनी लैंग्वेज, सारा मैं बताऊंगा स्टेप बाई स्टेप इस चैनल के माध्यम से। शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और बने रहिए अपने साथ में। साथ साथ में आपको जब ये नोटिफिकेशन आउट हो गया तो इस बात से अंदाजा लगा सकता है कि आपकी एग्जाम डेट है वो भी आपकी नज़दीक आ चुकी है, और इसके कब तक अनाउंसमेंट कर दिया गई डेट वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि और भी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हो कि मैं आपकी सीधे आरआरबी भोपाल की साइट पर हूँ, और भोपाल की साइट पर जाने के बाद आपको नीचे एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, जो कि आपका ये 24/4/2019 का ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, CN03/2018, जो कि आपका आरआरबी जे के संदर्भ में जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो। फिर आप में आपका लिखा है यहाँ पे क्लिक हियर टू नोटिस ऑन चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज CN03/2018, एंड नीचे दी लिंक दी आपकी क्लिक हियर टू लॉगिन फॉर चेंज ऑफ एग्जाम लैंग्वेज CN03/2018, और ये आपकी लिंक रहेगी, नोट लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 10 hours ऑन 24/4/2019 टिल 23 hours ऑन 1/5/2019, यानी कि ये लिंक एक्टिविटी रहेगी वो आपकी 24 अप्रैल को, वो भी 10 बजे से, और 1 मई 2019 को 23:19 तक आपकी एक्टिव रहने वाली है। तो अपन पहले नोटिस को पढ़ लेते हैं कि नोटिस में आखिर क्या दिया है। ठीक है, तो नोटिस को जैसे आपको इस पर क्लिक करना है तो आपको सामने एक नोटिस खुलेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सीधे ही नोटिफिकेशन मेरे सामने आउट हो गया है, और यहाँ आप देख सकते हो कि ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है, और यहाँ पे नोटिस के बारे में दे रखा है, नोटिस ऑन चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज चेंज एग्जाम लैंग्वेज CN03/2018। फिर उन्होंने यहाँ पे दिया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स इंटेंड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू चेंज द चॉइस ऑफ एग्जाम लैंग्वेज टू द कैंडिडेट्स हुज एप्लीकेशंस आर वैलिड फॉर वेरियस पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN03/2018 एग्जाम लैंग्वेज कैन बी मॉडिफाई और कन्फर्म बाई लॉगिंग इन द लिंक प्रोवाइड इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी लिस्टेड इन पैरा 20 ऑफ CN03/2018। द लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 10 hours ऑन 24/4/2019 टू 23 hours ऑन 1/5/2019। यानी कि सीधे तौर पर यहाँ पर उन्होंने बोल रखा है कि आपने जो एप्लीकेशन भरी थी आपकी आरआरबी जे की, तो उसमें आपको जो पैरा नंबर आपका 20 था उसके अंदर आपकी जो लिंक जो वो लैंग्वेज थी उसको मॉडिफाई और चेंज करने की उन्होंने बोला है कि आप इसे लैंग्वेज को चेंज और मॉडिफाई कर सकते हो जिस लैंग्वेज में आप अपने एग्जाम देना चाहते हो। पहले गलती से आपने भर दी थी अपनी लैंग्वेज, अगर तुम वापस सेलेक्ट करना चाहते हो, वापस चेंज करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, और इसकी जो लिंक एक्टिवेट होगी वो आपकी 24 अप्रैल 2019 को 10 बजे से और 1 मई 2019 को रात के 12 बजे तक एक्टिव रहने वाली है। फिर बोला नीचे यहाँ पे उन्होंने, फॉर दी कैंडिडेट्स हु डोंट मॉडिफाई और कन्फर्म देयर एग्जाम लैंग्वेज द लैंग्वेज चूजन ड्यूरिंग सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग द एग्जाम लैंग्वेज विल बी एंटर्ड आफ्टर 1/5/2019 और ड्यूरिंग द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT। यानी कि सीधे तौर पे ये उन्होंने बोला है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो सबमिशन करने के दौरान जो रहती है वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद आपकी जो 1/5/2019 को तुम लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो उसके बाद आपकी कोई भी रिक्वेस्ट मान्य नहीं की जाएगी। और फिर नीचे बोला है कैंडिडेट्स कैन व्यू देयर क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश एंड द लैंग्वेज ऑपरेट इन केस ऑफ एनी डिफरेंस डिस्क्रेप्सी एंड डिस्प्यूट इन द क्वेश्चन बिटवीन इंग्लिश एंड ऑपरेट लैंग्वेज द कंटेंट ऑफ इंग्लिश
वर्जन सेल प्रोवाइड, यानी सीधे तौर पे इस नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो लिंक है वो 24 से और 1 मई तक एक्टिव रहने वाली है, मॉडिफाई कर सकते हो बाकायदा स्टेप बाई स्टेप। लेकिन जो कैंडिडेट्स अपनी लैंग्वेज को चेंज नहीं करना चाहते हो, तो जो सबमिशन के दौरान यानी कि जो फॉर्म आपने फिलअप किया था उसके दौरान जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की थी वही आपकी रहने वाली है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि अगर इंग्लिश और जो आपने चूज की है जो लैंग्वेज उन दोनों में से किसी क्वेश्चन में अगर एरर पाई जाती है, सपोज करो जो लैंग्वेज तुमने अपनी लोकल जो लैंग्वेज है उसको चूज किया है उसमें कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है, तो इन दोनों के संबंध में तो इंग्लिश का जो क्वेश्चन है वही आपका मान किया जाएगा, जो आपने चूज किए वो मान नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पर ये बोला है कि इंग्लिश के क्वेश्चन को ही मान्यता प्रदान की जाएगी, आपकी लैंग्वेज वाले को चूज नहीं जाएगी, ठीक है। और बस ये इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन के माध्यम से दे रखा है। अब कैसे आपको अपने लैंग्वेज को चेंज और मॉडिफाई करना है उसको भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो आपको करना है क्या, वापस आपको आरआरबी भोपाल की साइट पे वापस आना है, और फिर जो मैंने आपको एक लिंक बताई थी, आपको यहाँ लिंक बताई थी क्लिक हियर टू लॉग इन फॉर चेंज योर एग्जाम लैंग्वेज, आपको इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करोगे तो सामने आपके सामने इस टाइप का एक इंटरफेस खुलेगा, ठीक है, जो स्टाफ से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ दी हुई है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने आपने दी हुई है इसकी, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ यू कैन मॉडिफाई ऑन कन्फर्म एग्जाम लैंग्वेज फ्रॉम 10 आवर्स 24, ये आपके टाइम दे रखा है कि 24 से और 1 मई तक कर सकते हो। उसके बाद फिर उन्होंने आप दे रखा है कि द चॉइस ऑफ ए लैंग्वेज चूजन बाई यू फॉर द आरआरबी एग्जाम कैन बी व्यूड एंड मॉडिफाइड ओनली वंस, यानी कि एक बार ही आपको के चांस मिलेगा, उसके बाद तुम चाहते हो कि दोबारा लैंग्वेज चेंज करना चाहते हो तो नहीं मिलेगा। वंस यू कन्फर्म नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर चेंजिंग ऑल लैंग्वेज, अगर आप गलती से भी आपने जिस लैंग्वेज को चूज कर दिया है फिर आप वापस चेंज करना चाहते हो तो नहीं मिलेगा, 1 मई के बाद आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने बोला कि द यू विल बी एबल टू टेक अप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इंग्लिश एंड द चूजन लैंग्वेज, आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो आपकी इंग्लिश और जो आपने चूज की है लैंग्वेज उसके माध्यम से ही एग्जाम लगेगी, ठीक है। और फिर उसके ऊपर दे देखिए आपके यहाँ पे क्लिक हियर टू कन्फर्म मॉडिफाई योर एग्जाम लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करोगे तो उसके सामने आपके सामने इस टाइप का मॉडिफिकेशन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है आपका ये बोल रहा है कि सिलेक्ट योर आरआरबी टू मॉडिफाई और कन्फर्म एग्जाम लैंग्वेज, यानी कि आपको यहाँ पर आरआरबी सिलेक्ट करना है जिस आरआरबी से आपने फॉर्म फिलअप किया है। तो जैसे यहाँ पे सारे आरआरबी दे रखे हैं, तो जिस बोर्ड से आपने फॉर्म अप्लाई किया उस बोर्ड को आपको चूज करना है। तो जो मैंने यहाँ पे क्या किया आपका मालदा चूज कर दिया है यहाँ पे, तो मालदा को चूज करने के बाद मेरे साथ ही मालदा की यहाँ पे लिंक खुल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप सीधे तौर पर ये दे रखा है कि यू कैन अवेल दिस ऑप्शन फ्रॉम 10 आवर्स ऑन अप्रैल 24/2019, यानी कि 24 अप्रैल की वो 10 बजे से आपकी एक्टिव लिंक होगी। तो ये वीडियो मैं आपकी सुबह के 7:21 पर बना रहा हूँ, तो इस टाइप से कहीं अभी ये मेरे सामने ऑप्शन नहीं खुल रहा। तो करने का यहाँ पे आपका इस सामने एक लैंग्वेज का बायकायदा एक ऑप्शन खुल जाएगा यहाँ पे स्टाप से, वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को चूज कर लेना जिस लैंग्वेज आपको एग्जाम देनी है, और उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपकी लैंग्वेज ऑटोमेटिक सबमिशन हो जाएगा और फिर आप क्या उसी लैंग्वेज में आप उसको एग्जाम दे सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से क्या लैंग्वेज के संदर्भ में ही सारी सूचना आएगी। अब बात करते हैं कि एग्जाम डेट, तो सीधे तौर पे कि जब इसका नोटिफिकेशन आउट कर ही दिया है आपकी आरआरबी जेई के एग्जाम लैंग्वेज के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि आपकी जो एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो सारी हो चुकी है और उसकी एग्जाम डेट की कन्फर्म भी हो चुकी है, और उसके बस कुछ ही दिनों में आपकी नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा एग्जाम के संदर्भ में। तो जहाँ तक संभावना ये बताई जा रही है कि जब 1 मई तक इसकी वो रखी गई है मॉडिफाई करने की, तो जहाँ तक संभव है कि आपकी 1 मई तक है, तो उसके 5-6 दिन बाद या 7 दिन बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा कि आपकी कब तक एग्जाम लगने वाली है। तो जहाँ तक संभावना ये बताई जा रही है कि पहले भी मैंने बताया था कि आपकी जो मई है उसके लास्ट वीक में आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाने के पूरा का पूरा चांसेस है, ठीक है, इधर से उधर नहीं होने वाला, मतलब कि पूरे का संभावना बताई जा रही है आपकी मई के लास्ट वीक में आपका एग्जाम 100% कंडक्ट करवा ही लिया जाएगा। अगर फिर भी एक दो से चार दिन अगर इधर होते हैं तो जून के 1st वीक में कन्फर्म हो जाएगा पक्का, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस टाइप से सारी इन्फॉर्मेशन सभी फ्रेंड्स को बोल दें, और जो लैंग्वेज चेंज करना चाहे चेंज करने को बोल दें, और जो लोग जे की तैयारी कर रहे हैं तो वे उनके पास 1 महीने का ही वक्त बचा है मुश्किल से, तो अच्छी सी तैयारी करें जिससे कि अपने एग्जाम को फाइट कर सकें। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते किसी नई न्यूज़ के, तब तक के लिए बाय। वीडियो को पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना फ्रेंड्स को।
और इसके जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको लिंक को चेक करके अपना मॉडिफाई और नोटिस को देख सकते हो।